गणपति बाप्पा आने वाले हैं तो उनका प्रिय भोग होता है मोदक। तो चलिए मिलके बनाते हैं ये मोदक। तो गैस, सबसे पहले हम गैस जलाएंगे, उस पर रखेंगे एक पैन और गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। तो इसमें डालेंगे हम एक कप मूंगफली। तो ये कच्ची मूंगफली है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हम इसे 3 से 4 मिनट धीमी आँच पर हमें रोस्ट करना है। जब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका छिलका अलग ना होने लगे। तो हमें धीमी आंच पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे और हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, छिलका भी अलग होने लगा है। तो गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद और इसे निकाल लेंगे हम अलग से एक प्लेट में या फिर कपड़े पर। आप देख सकते हैं कि हम मैंने इसको हाथ में लिया और छिलका कितनी आसानी से निकल गया है। तो प्लेटफॉर्म पे बिछाएंगे एक कपड़ा या टॉवल और उस पर रख लेंगे हम ये सारी मूंगफली को निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा तो इसको हम फोल्ड करेंगे कपड़े को और इसके छिलकों को रगड़ते हुए हम इसे सारे छिलके निकल जाएंगे। तो हमें ध्यान रहे कि इसे थोड़ा सा रगड़ना है और सारे छिलके अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कपड़े से कितनी अच्छे से रगड़ के सारे छिलके अलग हो चुके हैं। तो अब हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ मैंने ली है एक छन्नी और इसमें निकाल लेंगे हम थोड़ी सी मूँगफली और इसे छान के सारे छिलके और मूँगफली को अलग कर लेंगे। ये बहुत आसान हो जाता है इससे छिलकों को अलग करना और मूंगफली को अलग करना, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारे छिलके अलग हो गए हैं और मूंगफली भी अलग हो गई है। तो अगर कोई दाना रह जाता है छिलके वाला तो उसको हम हाथ से निकाल के छिलकों को अलग कर लेंगे और इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सारी मूंगफली और छिलकों को अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मूंगफली सारी अलग कर ली है और छिलकों को अलग कर लिया है। तो कितना आसान हो गया ना हमारे लिए कि छिलकों और मूंगफली को अलग अलग करना। तो यहाँ लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें सारी ये मूँगफली को डाल लेंगे। डालने के बाद हमें इसे दरदरा पीसना है और रुक रुक के चलानी है मिक्सी को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको मूँगफली को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है, नहीं तो जो मोदक बनाएंगे ना वो अच्छे नहीं बनेंगे और ना ही वो खाने में टेस्टी लगेंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने यहाँ पे थोड़ा दरदरा ही मूंगफली को रखा है। तो इसको रखते हैं हम साइड में। सेम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 कप खजूर। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके बीज को निकाल के मैंने अलग कर लिए थे और इन खजूर को हम इस मिक्सी के जार में डालेंगे और डाल के हमें इसे ग्राइंड करना है। ध्यान रहे मिक्सी को रुक रुक के हमें चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने खजूर को पीस लिया है और ये बिल्कुल फाइन नहीं बनता है। तो यहाँ रखेंगे हम गैस पे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच जितना देसी घी और सारे खजूर को हम इस कढ़ाई में निकाल लेंगे और हमें धीमी आंच पे इसे थोड़ा खजूर को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। तो ध्यान रहे हमें चलाते हुए खजूर को पकाना है, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। तो हम चलाने के बाद हम 3 से 4 मिनट इसे सॉफ्ट हो गया है और आप देख सकते हैं वीडियो में कि खजूर हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैस से नीचे उतार लिए कढ़ाई को और इसे 1 से 2 मिनट में इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और जो हमने मूंगफली का पाउडर बनाया था ना वो हम इसमें डाल लेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ बचा लिया है, पहले इसको मिक्स करेंगे फिर हम डालेंगे। यहाँ लिया है मैंने बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच जितना बादाम, उसको भी हम मिला लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जब गर्म हो तभी हमें सारे काम करने हैं, ठंडे में नहीं करने हैं। तो मैं अब हाथ से इसे अच्छे से सभी चीज़ों को मिला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिया है एक मोल्ड, मोदक का मोल्ड जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और इसमें हम ये मिश्रण को थोड़ा थोड़ा दोनों साइड लगाते और दबाते हुए हम भरेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं दोनों साइड इसे अच्छे से दबाते हुए भर रही हूँ। और ऐसे ही हम इसको फिर बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसको चारों तरफ से अच्छे से दबाते हुए इसे अच्छे से प्रेस करते करते हम इसको पूरा फिल कर लेंगे।
तो ध्यान रहे कि बिल्कुल हमें अच्छे से दबाते हुए फिल करना है और चारों तरफ से दबाते हुए हम इसे धीरे हाथ से खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। कितना क्यूट लग रहा है, छोटे छोटे से मोदक। आप इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। तो हम अब मार्केट से क्यों लाएं जब हम घर में ही बना सकते हैं शुगर फ्री मोदक। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो यहाँ हमने सारे मोदक बना के तैयार कर लिए हैं, गणपति जी के प्रिय मोदक बनके हो गए हैं तैयार। तो आज की रेसिपी कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई हो आज की ये शुगर फ्री मोदक की रेसिपी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।